और देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों, पूरे भारत में हर साल चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, खास तौर से बाइक सवार लोग। पुरानी दिल्ली के रहने वाले दीनानाथ सोनकर की बात करें तो चाइनीज मांझे का दंश वो खुद झेल चुके हैं। जब वो कुछ दिन पहले गीता कॉलोनी फ्लाईओवर ब्रिज से चांदनी चौक जा रहे थे, तभी अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनकी गर्दन कट गई। गनीमत ये रही कि एक महिला ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया और तब जाकर उनकी जान बची। पीड़ित दीनानाथ का कहना है कि चाइनीज मांझे बेचने वाले लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, साथ ही उन्होंने पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से अपने घर चांदनी चौक आ रहा था और अचानक मेरे गले में चाइनीज मांझा लग गया और मैं गिर गया अपनी मोटरसाइकिल से, बेहोश की स्थिति में हो गया। मैं जैसे ही उठा तो मैंने देखा तो मेरे गले से काफ़ी ब्लड निकलने लगा और खूनम खून में हो गया। मैं बड़ा खुशकसीब नसीब था और जो कि मेरा एक तरीके से मैं बच गया, मुझे टाइम से मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस मांझे पे बैन लगना चाहिए, यूँ पे पतंग उड़ाने पे ही रोक लगनी चाहिए। इतने लोग पतंग उड़ाते हैं अपनी खुशी के लिए, मगर उनके बहुत से लोगों का हादसा हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं।